प्रदेश के हरदोई जिले में एक महिला को 4 साल तक बंधक बनाकर 2 सगे भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बंधक बनी युवती किसी तरह आरोपियों के चुंगल से जब आजाद हुई तब उसने घर पहुंचकर घर वालों को पूरी दास्तां बताई, जिसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती को डॉक्टरी के लिए भेज दिया। अपने परिजनों के साथ सहमी हुई खड़ी यह महिला शाहबाद कोतवाली के खेड़ा बीवी जय की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि 18 अप्रैल 2013 को उसका 3 लोगों ने घर के बाहर से अपहरण कर लिया और उसके बाद उसे बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के कई बस्ती मोहल्लों में रखा, जहां के रहने वाले फिरासत और शहादत नाम के 2 भाइयों ने उसके साथ बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की जाती थी। महिला के लापता होने का मामला शाहबाद कोतवाली में 2013 में दर्ज किया गया था, जिसमें महिला के बरामद न होने पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट भी लगा दी थी। फिलहाल महिला का आरोप है कि किसी तरह वो आरोपियों के चुंगल से भागकर अपने घर पहुंची है, जिसके बाद पूरे घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों ने पुलिस और अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने युवती को मेडिकल प्रशिक्षण के लिए भेजा है और महिला के अदालत में बयान के बाद आरोपियों पर कार्रवाई का दावा कर रही है। 3 वर्ष के उपरांत लगभग वो लड़की पुनः अपने 2 संतानों के साथ में वापस आई होगी और उन्होंने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी कि मुझे फोर्सफुली कहीं पे रोक के बदायूं में किसी ने रखा हुआ था और मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं रह रही थी। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इस पे गंभीरता से संज्ञान लिया और इस पे जो पुलिस विभाग को निर्देश दिया है उन्होंने ये दिया है कि लड़की का मेडिकल करा लिया जाए, इसका 164 का बयान करा जाए और विवेचना को पुनः किए जाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है।